एवरी वन, वेलकम टू तस्नीम इंडियन जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की भुजिया। इसमें हम आज बनाएंगे अंडे की भुजिया, आलू की भुजिया, केले की भुजिया और प्याज की भुजिया बनाएंगे। ये बहुत मज़ेदार है फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, इवनिंग स्नैक्स में, इफ्तियारी में बना के फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑनियन, दो ऑनियन के स्लाइसेस बना के रख लिए हैं और यहाँ पे ग्रीन वाला केला, कच्चा केला जो सब्ज़ी का आता है, उसे मैंने इस तरह स्लाइस करके रख लिया है, उसके ऊपर का छिलका निकाल कर। और यहाँ पे पोटैटो लिया है, इसका भी मैंने छिलका हटाकर इसे भी मैंने गोल शेप में कट करके रख लिया है। दो अंडों को उबाल कर इसे भी एक अंडे में चार पीस बना के रख लिए हैं। चलिए दूसरी ओर यहाँ पे मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुरिएंडर लीव्स को बारीक काट कर रख लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, स्वाद अनुसार नमक लिया है, चाट मसाला 1 स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, गरम मसाला 1/2 स्पून। चलिए यहाँ पे बेसन एक बाउल में डाल के मैंने रख लिया है। यहाँ पे 250 ग्राम से 300 ग्राम तक बेसन है, इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे जो मैंने अभी दिखाए, जो भी मैंने मसाले बताए हैं, ये सारे मसालों को इसमें डाल देना है। इन्हें मिक्स करके इसमें पानी डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसमें पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लें, इसका घोल बना लें बेसन का। ये देखिए मैंने बैटर बना के तैयार कर लिया है बेसन का। बैटर की थिकनेस देखें, बैटर इस तरह का होना चाहिए, ये देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए। इसमें आलू को इस तरह डिप करके फ्राई कर लेंगे। ये देखें कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम आलू की भुजिया को फ्राई कर लेते हैं। ये देखें इस तरह एक एक करते करके डालते जाएं ऑयल में, आलू फूले बेसन में डिप करें, उसके बाद ऑयल में शामिल करते जाएं। ये देखें भुजिया फ्राई हो रही है। चलिए इन्हें उलट पुलट कर फ्राई कर लेते हैं। एक ओर से तो ये फ्राई हो चुकी है, अब दूसरी ओर से फ्राई कर लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे हम। ये देखें दोनों ओर से भुजिया अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इस तरह निकाल लें। चलिए अब हम घोल में केला डाल देते हैं, इस तरह डालकर डिप कर लें बेसन के घोल में, ऑयल में डाल दें, इस तरह ऑयल में डालते जाएं। ये हुई केले की भुजिया। एक बैटर से हम कितनी सारी वैरायटीज में भुजिया बना सकते हैं फ्रेंड्स। उलट पुलट कर इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखें दोनों ओर से ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बनाना भुजिया। चलिए इसे भी हम निकाल देते हैं, इस तरह निकाल लें। चलिए अब हम अंडे की भुजिया को भी फ्राई कर लेते हैं, उसी तरह डिप कर दें, डिप करके स्पून में ले लें इस तरह।
और ऑयल में डालते जाएं। इसे भी दोनों ओर से उलट पुलट कर फ्राई कर लें। फ्राई की हुई अंडे की भुजिया को भी निकाल दें। चलो अब हम ऑनियन की भुजिया बना लेते हैं प्याज की। चलिए इसे अच्छे से आटे में इस तरह मिक्स कर दें, बेसन में अच्छे से इस तरह मिक्स करके इसकी भुजिया ऑयल में इस तरह डाल दें। चलिए सारी भुजिया इसी तरह हमने बना ली है। देखिए एक ओर से ये प्याज की भुजिया सिक चुकी है, दूसरी ओर से भी हम इस तरह इसे पलट कर फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होने दें इसे दोनों ओर से अच्छी तरह। ये देखें ऑनियन की भी भुजिया दोनों ओर से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। चलिए अब हम इसे भी निकाल देते हैं प्लेट में। ये देखें ढेर सारी भुजिया बनके तैयार हो चुकी हैं। चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें अंडे की भुजिया कितनी मस्त बनी है ना फ्रेंड्स। और ये बनाना भुजिया और ये आलू की भुजिया अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है। और ये ऑनियन की भुजिया ये देखें, मैंने इन्हें सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।